हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल क्योंकि मुझे मम्मी के नाम की स्लिप कटवानी है, क्योंकि मम्मी को कल डॉक्टर पर जाऊँ, इस वजह से तो मैंने कहा आज पहले स्लिप कटवा देती हूँ, क्योंकि पहले स्लिप कटवाई रहे तो भीड़ में कम लगना पड़ता है, मतलब भीड़ का सामना कम करना पड़ता है। सो यार, आई एम ऑल सेट टू गो और मैं जा रही हूँ। वैसे आज यहाँ धूप नहीं है बट फिर भी मैंने फेस कवर किया हुआ है। गेट खोल देती हूँ अब मैंने, क्योंकि अभी गेट भी बंद मुझे करना होगा क्योंकि मम्मी तो सो रही है। चलो यार, गाड़ी वाड़ी निकाले बाहर एंड गाड़ी यहाँ पीछे खड़ी करके वो गेट बंद करने जाना पड़ रहा है ऊपर, क्योंकि यहाँ सारा ना काई हो रखा है और इतनी काई में कैसे होगा, इतनी काई में तो नहीं होने का। ऐसे मैं नहीं करती गेट बंद, बट परसों क्या हुआ कि मैं गेट खोल के चली गई एंड मेरी दादी के फ्लावर्स लगा रखे थे यहाँ गेट के आसपास, काई सारा खा गई तो मुझे बहुत डांट पड़ी, तो इसलिए मैंने आज कर दिया। मैं आ गई हूँ यहाँ पर, यहाँ पे इतनी भीड़ है। वैसे अभी तो इतनी, मतलब अभी से इतनी भीड़ क्यों है, उसको इसको आगे करना पड़ेगा, आधा माथा मेरे टैन हो जाएगा। ये लोगों ने कैसी पार्किंग लगा रखी है, लाइक जहाँ आगे लगानी चाहिए वहाँ छोड़ दी और यहाँ तक लगा रखी है। अभी कार कैसे जाएगी यहाँ पर, रिडिकुलस। तो पहुँच गई हूँ, यहाँ का कंबाइंड हॉस्पिटल है, ये है यहाँ का कंबाइंड हॉस्पिटल। तो चलो यार, यहाँ पर पहले मैं स्लिप कटाती हूँ, विच इज़ द मेन थिंग। क्या मेरा काम तो यहाँ पर 2 मिनट पर हो गया, इसलिए मैं इस वक्त आई थी, क्योंकि इस वक्त में सब डॉक्टर के पास रहते हैं और स्लिप की लाइन में भीड़ कम रहती है, तो मेरा काम हो गया। सिर्फ स्लिप ही बनी है और डॉक्टर पे तो मम्मी को कल ले जाना है। यार देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये गार्डन है यहाँ का, मतलब हॉस्पिटल का, तो प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पे ये मूर्ति आई डोंट नो किसकी है, मतलब पीछे से मैं पहचान नहीं पा रही, बट आई थिंक इसके जगह पे टेंपल होना चाहिए था। जैसे नीचे वाले हॉस्पिटल में था, मतलब ये न्यू बनाया है, ये वाला ये रेलवे ने बनाया है, क्योंकि रेल लाइन आ रही है ना, यहाँ से रेल जाएगी पूरी, तो उस वजह से नीचे वाला हॉस्पिटल को दोबारा करा गया। बट इट्स लुकिंग गुड, मतलब ये तो पूरा अच्छा है, बट यहाँ पे एक टेम्पल भी होना चाहिए था, लाइक नीचे वाले उसमें था, यहाँ पे एक टेम्पल भी होता तो ऐसा मेरा ओपिनियन है, एक टेम्पल होना चाहिए था। बट नाइस, एंड व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है, लाइक वहाँ पहाड़ों में बादल आ रखे हैं ना। आई थिंक दोबारा बारिश होगी, मॉर्निंग में तो हुई थी। और इधर के पीछे हमारा यूनिवर्सिटी है, मतलब रास्ता अलग है। चलो मैं चलती हूँ घर, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है और काम भी हो चुका है और थोड़ा ह्यूमिडिटी लग रही है, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब धूप नहीं है स्टिल अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे घर में। अगेन ऑन किचन ड्यूटी, खाना बना रही हूँ, दिन का तेल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गैस को हम मीडियम कर देते हैं। और प्याज काट दिए, टमाटर काट दिए, लहसुन काट दिया यार, अब जीरा डालती हूँ, बस तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। मम्मी रेस्ट कर रही है, मम्मी को शायद बुखार आ गया है, कह रही है कि मेरे को गरम गरम फील हो रहा है, तो मम्मी को बुखार भी आ गया है, तो अब कल बुखार भी दिखाना पड़ेगा मम्मी का। आजकल ये मौसम बहुत चेंज वेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से सब मौसम की चपेट में आ रहे हैं यार, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सर ठीक है, चलो तेल गर्म हो गया, बनाती हूँ। दादी भी फोन पे लगी है गप्पे मारने पे, और मैं खाना बना रही हूँ। तो ये हमारे लिए रोटी का डिब्बा है, प्यारा है ना, ये एक्चुअली में हम पे हॉट पॉट है, लेकिन मैं भी इसमें परेशान में घर गई थी, तो उनके यहाँ ये वाली रोटियों में, मतलब इस वाले उनके यहाँ बुनते हैं, उनके गांव में ये वाली क्या बोलते हैं, कंडी बोलते हैं,
उनके यहाँ बुनते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम ले जाओ, हमारे यहाँ तो बहुत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसमें रोटी इतनी प्यारी लग रही है ना, कुछ और भी रख सकते हैं, वो लोग रोटी रखते हैं तो बोलते हैं रोटी रखना अच्छा होता है, क्योंकि ये लकड़ी तो पता नहीं लकड़ी होता है क्या होता है, मुझे नहीं होता, बट हाँ। तो मम्मी अभी इसे यूज़ कर रही है, इतना क्यूट लगा है ना मुझे किचन में, मतलब वो हॉटपॉट हमने बंद कर दिया और इसी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब मम्मी की रोटी तो बहुत सॉफ्ट बनती है ना, तो इसमें भी हो जाएगी, मेरी तो इतनी सॉफ्ट नहीं बनती, तो मुझे तो हॉटपॉट ही चाहिए ताकि उससे मतलब रोटी सॉफ्ट रहती है ना उसमें, मतलब क्योंकि ये भाप रहती है, तो कुछ ऐसा ही। अरे कहना क्या चाहते हो? समझा नहीं पाई मैं, बट समझ है ना। वो बना रही हूँ मैं। हाँ दादी, मैं खाना बना रही हूँ, आपको आना पड़ेगा इधर। चलो ठीक है, दादी बुला रही है, जाती हूँ थोड़ा गैस कम करके। दादी पता नहीं कुछ बोल दी है, कोई आ रखा था इसलिए बुला रही दादी, इन्फॉर्मेशन ले रहा था मतलब कुछ ना। तो फिर मैं गई, मिर्च काट रही हूँ अभी, हरी मिर्च बारीक बारीक काटती हूँ दाल में डालने के लिए, अच्छी लगती है मुझे मिर्च काफ़ी। अच्छा मेरा मसाला जला नहीं तब तक जब तक वो कुछ पूछ रहा था, तो मैं गैस कम करके जा ही रखी थी। टाइम भी कितना हो रहा होगा, 2 बजने वाला है, मुझे फटाफट करना होगा, और क्योंकि खाने का टाइम होने वाला है, तो मैं जल्दी से करती हूँ इसको, फिर मिलती हूँ। तो यार मैं चलती हूँ, कोई आंटी आ रखी है, ये तो खैर मेरी मम्मी है, पर हमारे यहाँ कोई आंटी आ रखी है। सो मैं जा रही हूँ मार्केट सब्जियाँ लेने, मेरे घर पर सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी है। अच्छा वो बारिश रुक गई नहीं तो मम्मी रात को पता नहीं क्या खिलाती। मम्मी आराम से आना, गिरना मत वहाँ पे, इनको नहीं पकड़ा है क्योंकि बारिश की संभावना लग रही है और मैं भीगना नहीं चाहती हूँ। तो बोल दो। हाय, कैसी है तबीयत? कहाँ है यार तबीयत? बुखार आ रहा? बुखार आ रहा। हाँ तो कल आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर पे, ठीक है? तो चलो यार चलते हैं, मौसम वैसा बहुत ही बेकार हो रहा है यार, कभी बारिश हो रही कभी धूप हो रही, मतलब अचानक से बारिश आ जा रही है अचानक से टूक जा रही है। तो मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि मुझे खुद छींक आ रही हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इन लोगों को भी आए, इसलिए मैं अपना बचाव और इनका बचाव भी कर रही हूँ। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं आपको मिलती हूँ कल, और ओके बाय।